टाइम क्या ऐसे करो, फ्यूल ले लो, वो कर लो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. GG's my friend. Tappa tap. कितने kills लेगा इस अपने? 34. Let's go. जा सकते हैं क्योंकि उनके आगे स्लैमिंग कर दिया गया। एक नेट यहाँ पे जॉनथन कुक कर रहे थे, इनके बिल्कुल सामने प्लेयर आते हुए, बट नेट काफी क्लोज पड़ता हुआ। जॉनथन हिप फायर पे एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, बॉक्स के अराउंड जूक करके यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। 1v1, 1v2 यहाँ पे जॉनथन निकालते हुए, पीछे से इनके टीममेट इनको सपोर्ट दे रहे हैं। वो जो कवर फायर शॉट्स आ रहे हैं पीछे से क्लच गॉड की तरफ से, अब लिफ्ट करके एक प्लेयर यहाँ पे जॉनी के अगेंस्ट फाइट लेने की कोशिश, उनको भी यहाँ पे जॉनथन डाउन कर देंगे। एक बहुत ही अच्छे ट्रिपल किल यहाँ पे निकाला गया, बट पीछे से क्लच गॉड को वहाँ पे डाउन किया गया था जॉनथन। राइट से जा रहा मत, अबे रुक जा थोड़ा। कोई जोन पे नहीं है तेरे पे, कितने ही सारे उधर ही सामने है, वही देख पेड़ पे। नाइस, राइट पे है, सारे राइट पे है। वो देख लेफ्ट साइड किल, उस पे किल, जॉनी बुश पे किल। हाँ देख नेट पे उधर, वो डीगल जॉनी अच्छा करता है, बाकी हाँ बाकी लोगों को फर्जी लगता है डीगल का। हाँ डीगल उसका एकदम रियल है, मैं भी बहुत ट्राई किया उसके जैसा पर होता ही नहीं कनेक्ट। अरे मेन क्या है ना, वो प्रॉपर थंब है ना, सिर्फ थंब है, क्लॉक लू कुछ नहीं है, तो कैसा है हाथ से बैठता है, लेफ्ट लेफ्ट करते मार सकता है। वे कुछ अलग ही मारता है वो भाई, गलत ही मारता है। उसका क्लोज कमेंट बहुत ज्यादा ओपी है, बहुत ज्यादा ओपी है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सब हेड मारता है, सब हेड मेन वो है उसका।
आतंकी विद दैट बैरल, इस आतंकी का आतंक यहां पर जरूर से आ सकता है। अगर जोनाथन यहां पर कुछ आज हल्के में लेने के मूड में नजर आ रहे हैं तो देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो निकलता है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस ये फाइट है मेरे हिसाब से। यहां पर जब तक ऊपर टेरेस पर नहीं आ जाते तब तक के लिए फाइट इनिशिएट नहीं होगी। यूटिलिटीज ऊपर और नीचे दोनों से बैक टू बैक यहां पर यूज में आपको देखने को मिल जाएगी। इट्स योर कॉल लंकी, यहां पर कौन सी टीम आप पिक करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर फाइट में? मेरे ख्याल से टीम टीएसएमएटी शायद यहां से कमबैक कर सकते हैं, बिकॉज़ पीछे से जोनाथन ने स्पॉट किया। ये बढ़िया जगह ना, दो प्लेयर्स को यहां पे डाउन किया और भी ऑलरेडी हो चुका है। तीसरे प्लेयर को ज्वाइन किया टीएसएमएटी जोनाथन विद दैट 133 और यहां पे पूरा का पूरा जो कोर्ट था इस फाइट का वो चेंज कर दिया। स्नैक्स पीछे से मौजूद था, उसे थे स्पॉट किया। स्नैक्स को भी कुछ बढ़िया प्ले था, टोटल भी सर्वाइविंग। टीएसएमएटी जोनाथन इज द नेम, द ओनर ऑफ ब्लडशेड, द गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, दे आर लुकिंग बैक इनटू एक्शन। लेकिन जो हायर ग्राउंड है, जो अलग अलग एंगल्स है, उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे टीममेट बिट को, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम टपटप चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। टीममेट बिट को घेर लिया है कुछ इस कदर कि इक्वेशन ही बराबर नहीं बची है। सिर्फ दो ही तो खिलाड़ी बचे हैं वहां पर टीम 8 बिट के, दो प्लेयर्स अपने घुटनों पर रहे हैं। जिस तरीके का प्लैंड अटैक था यहां पर टीम टपाटप का, आई थिंक कोई गोइंग बैक नहीं है। अक्षत बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यहां से अगर इन्हें कोई बसा सकता है तो एक पूरा 1v4 का क्लच, जो कि इतना आसान तो होने नहीं वाला। अक्षत यहां पर डोर के पीछे बैठे हैं, वेट करेंगे डोर खुलने का। एक आधा प्लेयर नॉक हो जाएगा, लेट्स सी वो कैजुअलिटी आ पाती है या नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से ये इतना आसान होने नहीं वाला, बट यहां कुछ और हो रहा है। अक्षत यहां पर अभी के लिए डोमिनेट, जोनाथन को यहाँ पर एक अच्छा पीओवी मिल सकता है। वॉरमेनिया के किल्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं जोनाथन फ्रॉम दोस ओपन एरियाज। क्या रिफ्लेक्स यहाँ पर मैट टॉय की तरफ, यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये वाले स्मैश कितना ज्यादा इफेक्टिव है। जॉनी के पास कवर नहीं है, स्मोक का एरिया नहीं है, कोई भी रिच नहीं मिल रही है, बट सिर्फ और सिर्फ इनको जो इनके एरियाज कवर फायर है वो ही बचा पा रहे हैं। चाह रहे थे वॉरमेनिया के किल सिक्योर करने के लिए। Just look at him. बस देखते हैं, स्पॉट करते हैं, एडीएस ओपन करेंगे, तीन फिनिशेस अपने नाम कर चुके हैं। मतलब एक और सवाल भी अभी रहने वाला है, तो एक सवाल यहाँ पे तैयार है आप लोगों के लिए। एस्टेक रॉबिन फिलहाल के लिए हील अप करने वाले, जोन में आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिचेल जोनाथन स्वागत करने के लिए तैयार है। एस्टेक रियू ओपी आखिरी उम्मीद है टीम एस्टेक की तरफ से। क्या यहाँ पर रियू ओपी जवाब देंगे गॉड लाइक की? वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके फिनिश पॉइंट्स यहाँ पे ना दे, एंड डेफिनेटली प्लेसमेंट पॉइंट्स उठा पाए। जोनाथन रोटेशन में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, क्लच गॉड आगे जाकर ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक एस्टेक के रियोपी को इग्नोर नहीं किए हैं। दैट टेल्स यू कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए बाहर आते हैं इमीडिएटली, जोनाथन स्वागत करने के लिए तैयार बिल्कुल स्वैग के साथ यहाँ पे। विंडो से आएगा शायद वो नहीं पता, अक्षत ग्रेनेड को करके खड़े हुए, विंडो के पास खड़े हुए नियो, क्या यहाँ पर डैमेज मिल सकता है? नियो बॉल बच गया यहाँ पर, बट अक्षत को डाउन कर जाते हैं जोनाथन। व्हाट इज हैपनिंग अप देयर? 8 बिट की टीम मुझे यहाँ से बैक फुट पर दिख रही है। लाइसेंस दे दिया जोनाथन ने, ओमेगा को स्पॉट किया ओपन में। नाउ इज द राइट टाइम फॉर नियो टू टेक दैट सैक्रिफाइसिंग रोल ऑन इट्स पार्ट एंड अक्षत आउट देयर, बट जोनाथन यू ब्यूटी, नॉट ओनली विद दैट M4 विद दैट ग्रेनेड एज वेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टूर्नामेंट। गॉडलाइक की टीम असासिनेट करती हुई वो टीम को जो पूरी कोशिश कर रही है चेस करने की। जोनाथन इज हेडिंग टुवर्ड्स अक्षु, 1v3 की ये बारी आ चुकी है और ये एक डिसाइडर फाइट हो सकती है जो काफी हद तक क्लियर आउट कर जाएगी कि गॉडलाइक की टीम स्काई स्पोर्ट्स के चैंपियनशिप 3.0 जीतने के हकदार है। बट अभी के लिए अगर बात की जाए जोनाथन आगे जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते क्लच कॉट भी यहाँ पर हो जाते हैं नॉकआउट। बहुत सारे टीम माई भी यहाँ पर अगर देखा जाए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर देखने को मिले। टीम ऑरेंज रॉक भी इस फाइट के भागीदार, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइट का यहाँ पर फायदा उठाया जाए, एंड अक्षु के द्वारा वहाँ पर काम रहना, वेट करना, शायद उनको अभी तक एक अलाइव रहने का मतलब कोशिश वहाँ पर की जा रही है ताकि प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ से अर्जित कर जा सके। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं, बाकी जो खिलाड़ी, वो क्या अभी थिंकिंग रख रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि और भी टीम्स इनके आसपास बहुत मंडरा रही है यहाँ पर। हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा जो सफर है वो हम तय कर चुके हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं वो, लेकिन अभी तक जंग बाकी है। कहां तक पहुंचेगी क्लच गॉडलाइक की टीम, कितने पॉइंट्स बना पाएगी, वही सबसे बड़ा सवाल है। 7 टीम्स, 19 प्लेयर्स टू गो, दिस क्लच गॉड दे आर फीलिंग इट, दे हैव वन इट, दिस इज हाउ यू डू इट। एंजॉय करते हुए यहां पर इमोट्स कर रहे हैं, यहां पर जानते हैं कि यहां पर ये सिनेरियो उनके फेवर में जाएगा। और इट गोना बी द
the most versatile player, the most valuable player of the tournament. Kaun hai wo? It's gonna be Jonathan! 77 finishes ke saath, top fragger for a reason. Tapa tap dete dete ye khiladi yahan tak aa gaya. Akshat ko thode se point se hi piche chhodna tha. Aakhri tak wo date rahe. Aakhri ke jo 3 matches the usme ba kamal performance. Jonathan ki M4, Jonathan ki DP, Jonathan ke wo sare weapons jo inhone tournament mein istemal kare hain, unka har wo bullet ka damage is 77 finishes ke saath 12 lakh ke price pool mein 1 lakh aur से इजाफा करके दे जाएगा. Absolutely, what a guy, like what a guy. पहले ही दिन में वो नहीं जुड़ पाए थे टॉप फ्राइगर्स की लिस्ट में, सेकंड दिन में एंट्री लिया, एंड कैसे एंट्री लिया, एकदम शांति से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आखिरी दिन तक. कल शाम तक भी जोनाथन सेकंड पोजीशन पे थे, सिर्फ 2 किल से पीछे चल रहे, 2 फिनिशर से पीछे चल रहे थे. आज इन्होंने क्या किया, कुछ सोचा ही नहीं, सीधा मारना चालू किया. इतना मारा, आई बिलीव 60 फिनिशेस थे, आई बिलीव ओवरऑल 60 फिनिशेस थे यहाँ पे. एंड वहां पर चल के आज इन्होंने कितने फिनिशेस लिए हैं, 17 फिनिशेस ओवरऑल लिए हैं एक दिन. गाइस फाइनली चैंपियंस, लेट्स फ्रीकिंग गो. जिसका मुझे बहुत वेट था, मुझे फाइनली बनना था चैंपियन, फाइनली बन चुका हूँ. थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग भी मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आए और अभी भी बहुत सपोर्ट है. सो कोई वर्ड्स नहीं गाइज, आप लोगों के लिटरली कोई वर्ड्स नहीं है. लव यू ऑल यार, लव यू ऑल. एंड गाइज जो लोग भी बोल रहे हैं कि स्ट्रीम कभी होगी, तो गाइज स्ट्रीम बिगिंस फ्रॉम 14th, ठीक है, तो 14th को मिलते हैं यूट्यूब पर, और कल आएगी यूट्यूब पर वीडियो, ठीक है. एंड मीन्स हार्ड लक मेरे भाई लोग, 8-bit एंड 7-seas बहुत बढ़िया खेले आप लोग ने. एंड लिटरली गाइज लव यू ऑल, MVP अवार्ड लेट्स गो, लव यू ऑल, मिलते हैं 14th को, ठीक है, एंड कल वीडियो आएगी, बाय. So guys, finally champions, let's freaking go. जिसका मुझे बहुत वेट था, मुझे फाइनली बनना था चैंपियन, फाइनली बन चुका हूँ. थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग भी मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आए और अभी भी वीडियो, ठीक है. एंड मीन्स हार्ड लक मेरे भाई लोग, 8-bit एंड 7-seas बहुत बढ़िया खेले आप लोग ने. एंड लिटरली गाइज लव यू ऑल, MVP अवार्ड लेट्स गो, लव यू ऑल, मिलते हैं 14th को, ठीक है, एंड कल वीडियो आएगी, बाय.